नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज के इस वीडियो में करेंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आ गए हैं, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। एंड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली पहुंचे, तो कौन से पहुंचे? आपका ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरेस, बी डेनिस फ्रांसिस, सी जॉन डब्ल्यूएस, डी अब्दुल्ला साहिद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डेनिस फ्रांसिस, जो कि नई दिल्ली में पहुंचे। तो कब पहुंचे? तो 22 जनवरी 2024 ईस्वी को पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका दो नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय श्री भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो आपका ऑप्शन है ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी लखनऊ विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, वो है बनारस का। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और डॉट के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास को अभ्यास अयोध्या नाम दिया गया, तो कहाँ दिया गया? तो आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी थाईलैंड। नेक्स्ट चार नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने प्रतीक्षित गोले मेले की मेजबानी की? आपका ऑप्शन है ए उधमपुर, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी हरिद्वार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उधमपुर। नेक्स्ट पांच नंबर क्वेश्चन है, कनाडा ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया यानी कनाडा पेश किया गया, तो कब? तो आपका ऑप्शन है ए आईसी बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आईसीआईसी बैंक, जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो कनाडा के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह नंबर क्वेश्चन है, मानसिंह ने 22 जनवरी 2024 को कहा एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? आपका ऑप्शन है वांग कांग, बी बीजिंग, सी काठमांडू, डी बर्लिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वांग कांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने .. पर बाड़ लगाने और मुफ्त आवाजाही रोकने की घोषणा की है। आपका ऑप्शन है ए म्यांमार बॉर्डर, बी नेपाल बॉर्डर, सी भूटान बॉर्डर, डी बांग्लादेश बॉर्डर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए म्यांमार बॉर्डर। नेक्स्ट आठ नंबर क्वेश्चन है, आयुष दीक्षा भारत सरकार का एक मानव संसाधन विकास केंद्र के निर्माण के लिए 20 जनवरी 2024 को कहां केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI में शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी गुरुग्राम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। नेक्स्ट नौ नंबर क्वेश्चन है, किस देश में जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे लगभग 721 फीट राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नेपाल, डी अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट दस नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोवर्स के द्वारा जारी की गई गोल्ड रिजर्व लिस्ट में 813,646 टन के भंडार के साथ कौन सा देश पहले स्थान पर है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी चिली, डी अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी बर्लिन, सी क्योटो, डी लंदन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए
न्यूयॉर्क। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच, इसको शॉर्ट में नाम है WEF, के दावोस में अपनी वार्षिक बैठने के लिए जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी जर्मनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। आपका ऑप्शन है ए अरुण योगीराज, बी जगन मोहन, सी राम सुतार, डी चंद्रकांत सोमपुरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कब जनगण मन को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आपका ऑप्शन है 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1951 को, 24 जनवरी 1952 को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगणमन आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार करेगा। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 55। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 53। आज का सुविचार है, सफलता का सीधा संबंध परिश्रम से है। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वह कभी सफलता नहीं पा सकता। इसलिए दोस्तों परिश्रम करो और सफलता हासिल करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।